तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम से एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे चुका है कि आप आपका पेटीएम वॉलेट बैलेंस को अपना बैंक में इजीली विद इन 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना जरूरी है ताकि आपको दिखाऊंगा कोई मर्चेंट अकाउंट का भी जरूरत नहीं है, कोई बिजनेस अकाउंट का भी जरूरत नहीं, आप कोई भी थर्ड पार्टी का भी जरूरत नहीं, इंस्टेंटली पेटीएम वॉलेट तो आपका बैंक में विद इन 1 सेकंड के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो जानने के लिए इस वीडियो में देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं आप मेरा दो बैंक अकाउंट देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट दिखा देता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं आप देख सकते हो कि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में ओनली अमाउंट है 50 रुपीज़। तो सिंपल से मैं आपको दिखा दिया कि बाद में आपको पता चला क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप आपका पेटीएम में आप अपडेट नहीं है तो पेटीएम आपको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप अपना 3 डॉट मेनू में क्लिक कर दीजिए। तो 3 डॉट मेनू में क्लिक करने के बाद ही आपके एकदम नीचे एक ऑप्शन हो जाता है बहुत सारा सेटिंग्स का, तो उसमें से एक ऑप्शन आता है कि पेमेंट सेटिंग्स। तो पेमेंट सेटिंग्स में आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एकदम ऊपर सेक्शन में आपका और एक सेटिंग्स ऑप्शन हो जाता है, सिंपल सा उस सेटिंग्स में आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिए, स्क्रॉल डाउन करते रहिए, एकदम नीचे एक ऑप्शन आता है पेमेंट रिफंड टू सोर्स। तो रिफंड टू सोर्स बोल के जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए, मतलब उसको आप इनेबल कर दीजिए। तो जब भी आप इनेबल कर दोगे तो करने के बाद आप अपना पेटीएम वॉलेट में आ जाइए। तो सिंपल प्रोसेस में मैं अपना पासबुक सेक्शन में आ गया पेटीएम वॉलेट का। तो पासबुक क्लिक करने के बाद पेटीएम वॉलेट में आ गया। तो पेटीएम वॉलेट में आने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास 239 रुपीज़ है। तो अभी जब से मैंने सोर्स को एनेबल कर दिया पेमेंट रिफंड टू सोर्स में, तो तब से उसका जितना भी सारा अमाउंट मैंने बैंक अकाउंट से ऐड किया, कोई भी बैंक अकाउंट हो, मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट हो या पेटीएम पेमेंट बैंक हो या यूपीआई के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम से मैंने जब भी ऐड किया तो सभी अकाउंट के नीचे, सभी अमाउंट के नीचे 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 आपको एक ऑप्शन हो जाता है कि रिफंड बैक। तो इस रिफंड बैक ऑप्शन का मतलब यही है कि आप जैसे सोर्स ऑफ पेमेंट मेथड आपका था बैंक अकाउंट, तो आप उस सोर्स ऑफ पेमेंट मेथड में इस पैसा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप ट्रांसफर करके मैं दिखाऊंगा, उससे पहले आपको बताना है तो कितना दिन तक आप ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपया है या 10,000 रुपया है आपका वॉलेट में, तो उसमें से आप मान लीजिए 6,000 रुपया अपना बैंक से ऐड कर लिया विद इन 3 मंथ के अंदर। तो 3 मंथ के अंदर आप मान लीजिए 6,000 रुपये बैंक में, बैंक से वॉलेट में ऐड किया, तो उस 6,000 रुपया अगर आपको वॉलेट से 6,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप उस 6,000 रुपये का 3 मंथ के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन है आप उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो एज एग्जांपल तौर पे मैं पेटीएम पेमेंट बैंक से ऐड किया ताकि आपको इंस्टेंटली दिखा सकता हूँ, और आपका कुछ भी पेमेंट कुछ भी बैंक है तो आप उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन किया तो मैं पर्सनल बैंक अकाउंट से आप देख सकते हो, यूपीआई के माध्यम से भी एक बैंक अकाउंट से ऐड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा पेमेंट बैंक का जो 50 रुपये ऐड किया था उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सिंपल से नीचे देख पा रहे हो कि उसमें रिफंड टू बैक ऑप्शन में क्लिक है, ऑप्शन है तो उसमें मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ही क्योंकि पेमेंट बैंक में आपको पता है पेटीएम वॉलेट टू पेमेंट इंस्टेंटली बहुत जल्दी जाता है, तो सिंपल से आप मैं आपका दिखा देता हूँ कि मेरा पेमेंट बैंक में जाके। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि मेरा पेमेंट बैंक में फिर से 50 रुपये से 100 रुपीज़ हो गया क्योंकि मैं इंस्टेंटली मेरा पेटीएम वॉलेट टू मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो इसके लिए ना ही आपको कोई चार्ज देना पड़ा और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा अकाउंट देना पड़ेगा। तो उससे बाद आपको मेरा जो फिजिकल बैंक अकाउंट है उसमें आपको एक बार रिफंड करके दिखाता हूँ। तो सिंपल सा जब भी सेम प्रोसेस में रिफंड बैंक में क्लिक करोगे उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको विद इन 7 to 10 days वर्किंग डेज के अंदर आपको बैंक में अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। बट मोस्टली इंस्टेंटली रिफंड करता है। तो मैं अभी मेरे पास रिफंड आ गया, तो मैं आप अगर जब भी वीडियो को एडिट करता हूँ उसी टाइम रिफंड आ गया तो आपको स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, दिखा दूंगा कि मेरे पास रिफंड आ गया। तो इस प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आप इजीली आपका पेटीएम वॉलेट बैलेंस को आपका बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है, ना ही आपको कोई झंझट लेना है कि मैं कैसे, बिजनेस अकाउंट तो ब्लॉक है कैसे करेंगे, इस सबका चीज़ का कोई झामेला का जरूरत नहीं है। आप जितना भी मनी ऐड किया सभी मनी को आप अपना बैंक पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके पास एक ही उम्मीद हमेशा मैं बोलता हूँ, एक लाइक करना और आपके दोस्त को भी वीडियो शेयर करना ताकि आपके दोस्त को भी पता चलना जरूरी है, वो भी कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर पाए, बिजनेस अकाउंट में फंसा हुआ है, तो आपके दोस्त को भी शेयर करना। तो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट ब्रेड इफेक्ट ऑलवेज।